आज दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत नहीं करूंगा, आज मैं आप लोगों के साथ में शोक मनाऊंगा। मैं जानता हूं 20 सेकंड की एड दिखा दिखा के आपको टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी अनस्केपेबल जले पे नमक छिड़का जा रहा है। मैं मानता हूं ये मेरी गलती नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल पर एड चलती है और वो उस एड पर ये आ रही है, तो आप बार बार काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि इसको अनसब्सक्राइब कर लो, मैं वीडियो डिसलाइक कर रहा हूं, तो ये हमारी गलती नहीं है। इस वजह से मैं आपके साथ हूं और एक ही ऐसा टेक यूट्यूबर हूं जो आपके इस दुख में शामिल हुआ हो, तो ये थोड़े टाइम में चला जाएगा, बस उसको बर्दाश्त करना। हेलो दोस्तों, टेक डेट उसमें आप लोग का स्वागत है, अब स्वागत कर रहा हूं। आज की डेट में शुरू करेंगे दोस्तों, और दोस्तों ये गर्मा गर्म हफ्ता शुरू हो गया और गर्मा गर्म का पहला झटका मैंने आपको इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर दे दिया था, और इस वीडियो में मैं आपको वैसे बता दूंगा। और एक जगह पर मैं आज जाने वाला हूं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूं, उसके लिए मैं चिकना हो गया हूं, बाल सब एकदम सेट करके रखा हो, तो उसका भी एक धमाकेदार वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक लेके आ गया हूं, 30,000 लाइक्स मांगता हूं, ज्यादा नहीं है, और फटाफट से आज की डेट शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर एस्ट्रॉइड से। जी हां, बड़े जो पत्थर होते हैं ना स्पेस में, जो यहां से वहां गुजरते हैं और जाके कहीं पर भी क्रैश कर देते हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो वो क्रैश होने वाला है। जी हां, हम सबकी जान यहां पर खतरे में है, तो ध्यान से दोस्तों अपने आप को बचा लीजिएगा। मैं इंडियन मीडिया नहीं हूं, मैं ये अफवाह थी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, रियलिटी क्या मैं अभी आपको यहां पर बता देता हूं। 14 सितंबर को जो वो नेक्स्ट मंथ यहां पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड होगा, एस्ट्रॉइड 2000 QWF इसका नाम है, जो अर्थ के पास से गुजरेगा, और वो बोलते हैं NEO, यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, अर्थ के को नजदीक आता है तो उसको हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं। और यहां पर दोस्तों ये 5.3 मिलियन किलोमीटर दूर होगा, मतलब इतना तो नजदीक नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी उसको NEO की कैटेगरी में दे देते हैं, तो ये पास से गुजरेगा। हालांकि पिछले महीने भी एक निकल कर गया था, ये दूसरा आएगा 14 सितंबर को, जो अफवाह फैल रही है कि एस्ट्रॉइड टकराएगा, ये झूठ है, इस पर बिलीव नहीं करना है। वैसे दोस्तों इसकी जो साइज होगी ना, वो 630 मीटर इन डायमीटर, बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा छोटा है, बुर्ज खलीफा 829 है, ये 630 समथिंग कुछ है, तो मतलब इतना बड़ा सा एस्ट्रॉइड होगा जो पास से गुजरेगा। हालांकि टकराता तो बहुत खतरा होता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कुदरत ने ऐसा बनाया कि हम सेफ है। इंडियन मीडिया को छोड़ के सिर्फ असली खबर पर ध्यान दीजिए। अब बात करते दोस्तों कुछ एक्सक्लूसिव खबर की, तो यहां पर ये है मेरे पास ओप्पो का रेनो 2 का बॉक्स, चलो बॉक्स की दिखा रहा हूं, सीधा फोन ही दिखा देता हूं, ये लो, फोकस हो जा, क्या बात है, एकदम ल्यूमिनस ब्लैक आप देख सकते हैं, वाह वाह वाह, क्वाड कैमरा दिख रहा है, गौर से देखिए दिख जाएगा। तो ये है ओप्पो का रेनो 2 जो हमारे पास आ चुका है, अनबॉक्सिंग मिल ही जाएगी आपको बहुत जल्दी, कभी कल मिलेगी शाम को, ठीक है, स्टे ट्यून करना, बहुत तगड़ा फोन है, स्पेक्स दमदार है, तो कल दोस्तों उसके बारे में और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और इंडिया में दोस्तों हैदराबाद के अंदर OnePlus ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो वो ओपन कर दिया। जी हाँ, कैमरा इनोवेशन का सबसे बड़ा जो R&D OnePlus का जो है ना, वो ताइवान के अंदर है, और अब दोस्तों उन्होंने इंडिया में भी ओपन कर दिया, और वहां पर बहुत सारे चीजें वो लोग मतलब R&D में लगवाएंगे, और स्पेसिफिकली इंडियन सेंट्रिक के मार्केट के हिसाब से वहां पर जो वो काम किया जाएगा। वैसे दोस्तों यहां पर जो टैलेंट्स जो होगा, जो हायर किया जाएगा, वो IITs और NIT से किया जाएगा, 1500 एम्प्लॉयमेंट्स की यहां पर आशंका है, ऐसा उन्होंने बताया, और 1000 करोड़ का उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ इतना ही दोस्तों, वहां पर वो लोग 5G टेस्टिंग लैब भी जो वो शुरू करेंगे, तो OnePlus आने वाले समय में इंडिया में अगर 5G आता है तो वो लोग वहां पर उसका भी काम करेंगे, तो बहुत ही जल्दी 5G भी हमें OnePlus की तरफ से जो वो देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स आ सकते हैं। उसके अलावा जो स्मार्ट टीवी है OnePlus के, जो हमें पता है सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होंगे, उसका भी जो काम होगा वो उसी R&D के अंदर जो वो किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर OnePlus ने किया है, जो बहुत बड़ा R&D सेंटर है उन्होंने हैदराबाद में ओपन कर दिया। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या कुछ खास करते हैं, और कितना जल्दी अपने टीवी और स्मार्टफोन 70 सीरीज वाले कब लेके आते हैं, ये तो हमें सितंबर के महीने में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और Realme 5 का दोस्तों आज पहला सेल था, और बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर Realme 5 ने 1,20,000 यूनिट्स जो वो सोल्ड कर दिया, मतलब कमाल हो गया। वैसे दोस्तों अभी दूसरा सेल भी होने वाला है शाम के 8 बजे, और मुझे नहीं पता मेरी टेक्नोस कभी जा रही है, तो शायद हो भी गया होगा, शाम के 8 बजे दूसरा सेल होगा तो और भी ज्यादा सोल्ड हो जाएगा। तो मतलब पहले सेल में Realme 5 120,000 यूनिट्स सोल्ड कर दिया, जो बहुत बड़ी बात है। वैसे Realme 5 Pro मिड ऑफ सितंबर से ना ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल होने वाले हैं। जी हां, तो अगर आपको ऑफलाइन में जाके परचेस करना रहेगा तो आप वहां पर भी जाके परचेस कर सकते हैं। लगे हाथ तो दोस्तों बात कर लेते हैं Realme XT की। ये है दोस्तों Realme XT का बॉक्स, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम
ट्विटर पे बताया था, कल दोपहर के 12 बजे तैयार रहना, इसका अनबॉक्सिंग आपको मिलेगा। और कहां गया फोन? हाँ ये तो फोकस कर ले कैमरा, फोकस 64MP क्वाड कैमरा दिखा दे। हाँ ये लो 64MP वाला कैमरा, मजा आ गया दिखा। जी हाँ, तो ये होगा कल 12 बजे, स्टे ट्यून करना। तो यहां पर दोस्तों, अगर आप मारियो कार्ट के फैन है, तो पिछले साल निंटेंडो ने फरवरी के महीने में अनाउंस किया था कि वो इसका एक मोबाइल गेम बनवाएंगे जो iOS और एंड्रॉइड में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और डेट भी यहां पर आ चुकी है, मतलब अगले महीने 25 सितंबर को मारियो कार्ट ये जो गेम है ये iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब वो लोग उसको लॉन्च कर देंगे, फिर उसके बाद से जाके आप उसको खेल सकते हैं। मतलब गूगल प्ले स्टोर में कुछ प्री रजिस्ट्रेशन इसका चल रहा है और वहां पर iOS में भी चल रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मारियो कार्ट फ्रेंचाइज की सीरीज में, बहुत ज्यादा घुसे हुए वैसे मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं मारियो का, तो आप जाके इसको खेल सकते हैं। देखते दोस्तों, मैं आपको जरूर से आएगा उसका एक गेम प्ले भी बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 2 है ये काम पर यहां पर लग चुका है और अभी तो उसको लैंड होने के लिए चांद पर तो थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों 4375 किलोमीटर की जो एल्टीट्यूड पर है वो, और वहां से दोस्तों उसने नए नए पिक्चर्स जो वो भेजा है मून के। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स यहां पर निकल कर आए, ये बड़े बड़े जो क्रेटर्स होते हैं मून के ऊपर, इसका मतलब अगर कोई इंपैक्ट होता है उसके बाद जो खड्डा बन जाता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। और आप देख सकते हैं जैक्सन, मित्रा, मैक और कोरलोव जो बड़े बड़े जो क्रेटर है, ये उसके पिक्चर्स यहां पर हमारे चंद्रयान 2 से हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ, मतलब ये 72 किलोमीटर, कोई 92 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर इन डायमीटर की साइज के हैं, जो इतने बड़े बड़े कि मैं आपसे क्या बताऊं, जो हमें ये सिर्फ चंद्रयान 2 की वजह से देखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत जल्दी उस जगह पर लैंड होगा जो कोई भी कंट्री का स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था, जो हमारा चंद्रयान 2 करने वाला। तो देख देख के खुशी होती है, जब भी कुछ अपडेट आता है तो दिल करता है आपसे शेयर करूं। 7 सितंबर को ये लैंड होगा दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड होगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर आ रही है। वैसे तो आजकल Xiaomi Redmi Note 8 सीरीज तो हमारे टेक न्यूज़ में छाए हुए हैं, क्योंकि जब तक ये लॉन्च नहीं होंगे दोस्तों लीक्स रूमर्स तो निकलती रहेगी। लेकिन अभी ऑफिशियली दोस्तों Xiaomi मतलब Redmi के जो जनरल मैनेजर लू वीबिंग ने एक बॉक्स जो शेयर किया Redmi Note 8 Pro का, ये रिटेल बॉक्स है जो अलग ही कलर में आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है, रेड पिंक कलर मिक्स दिख रहा है। उन्होंने इस बार कुछ नया ट्राई किया है और लगे हाथों दोस्तों इसकी प्राइस भी लीक हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि जो Redmi Note 8 होगा वो आपको 12,000 के आसपास मिलेगा, 464 इसमें स्नैपड्रैगन 665 है, क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल का आपको मैंने बताया था। और जो Note 8 Pro होगा दोस्तों ये कुछ 17-18,000 से स्टार्ट होगा, 6128 और उसके अलावा आपको एक 8128 मिलेगा जो 21,000 के आसपास होगा। Helio G90T 64 मेगापिक्सल ये अगर इसी प्राइस में आता है और इंडिया में भी वैसे ही आता है तो मतलब किलर स्मार्टफोन होगा। ये तो सिर्फ लीक है, अब देखते हैं कि क्या प्राइस में वो लोग उसको लॉन्च करते हैं। वैसे दोस्तों Redmi Note 8 Pro की जो बैटरी लाइफ है, Xiaomi के जो प्रेसिडेंट है लिन बिन, उन्होंने Vivo पर पोस्ट करके बताया कि भाई 2 दिन से ज्यादा इसकी बैटरी चल रही है और फिर भी 40% यहां पर जो वो बचा हुआ है। उन्होंने कुछ चार्ट भी जो वो शेयर किया फोन के अंदर से, तो ये एक प्रूफ बता रहे कि हां भाई इसकी बैटरी जो वो बहुत ज्यादा अच्छा बैकअप दे रही है जो कुछ आपके आंखों के सामने। तो बहुत कुछ यहां पर निकल कर आ रहा है कि 6.53 इंच की आपको एक LCD डिस्प्ले मिलेगी, वाटरप्रूफ नॉच होगा, क्वाड कैमरा होगा, 4.5 mAh की बैटरी होगी और बहुत जबरदस्त होगा ये फोन। 29 तारीख को दोस्तों एक अच्छा खासा तगड़ा वीडियो मिलेगा, तो आप जरूर उसके लिए स्टे ट्यून करना। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफोन ऐप कौन सा था? हालांकि 1994 में IBM का सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जिसको साइमन नाम दिया गया था और उसमें प्री इंस्टॉल्ड एड्रेस बुक, कैलेंडर, कैलकुलेटर ये वो जो ऐप आए थे वही सबसे पहले ऐप थे वर्ल्ड के। जी हाँ, उसमें कोई ऐप स्टोर ऑब्वियसली कोई प्ले स्टोर वगैरह नहीं थे, इसीलिए उसी को सबसे पहले ऐप माना जाता है। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।